हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल चैरिट्स। एंड दिस वीडियो आई मेड फॉर सेगटेरियस, धनु राशि के लिए। मई के मंथ में आप लोग के लिए मैसेजेस हैं। इस मंथ में आपका कोई रेयर अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छे मौके आपके पास आएंगे। खुशियां रहेंगी, इंजॉय करेंगे अपने लाइफ को। और यहाँ मैसेज ये भी है कि कहीं ना कहीं घूमने का बहुत मन करेगा, कहीं ना कहीं बाहर जाके इंजॉय करने का मन करेगा किसी के साथ, तो ज़रूर जाइएगा। आपको एंजल्स ये भी मैसेज कर रहे हैं कि किसी बात को लेकर के अपने आप को चोटिल मत करिएगा, अपने आप को ब्लेम मत लगाइएगा कि मेरी वजह से ये काम हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अपने आप को ही कोस लो, या आप कोई दुखी होने लगे इस चीज़ को लेकर के, तो वो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एंजल्स मैसेज कर रहे हैं, कोई जना आपकी पर्सनैलिटी को देख के अट्रैक्ट होगा। आपको एक ऐसा जीवन साथी या कोई बहुत अच्छा दोस्त चाहिए जो कि आप ही की तरह एकदम स्वीट हार्ट हो, दिल का बहुत अच्छा हो और आपकी बातें समझता हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। तो ये कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि आप हो सकता है इस तरह के किसी व्यक्ति को जो है वो अट्रैक्ट हो सकें, और आप खुद भी बहुत ही स्वीट हार्ट क्योंकि पर्सन है, तो आपको भी वैसा ही चाहिए। आपको यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स कुछ आपको इंगित करेगी, कुछ ऐसे साइंस दिखाएगी, साइन जिसको हम कहते हैं इंडिकेशन देना, जिससे आपको कोई बहुत अच्छा मैसेज मिलने वाला है। ये दिखता है कि कहीं ना कहीं, अगेन बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का मतलब ही होता है हैप्पीनेस, तो कोई खुशखबरी या कोई खुशी वाले अच्छे मोमेंट आएंगे। आपको लव का कार्ड आया है एंजल्स, बेबी एंजल का। आपको यहाँ दिख रहा है कोई नया जना आपके लाइफ में आएगा और उससे बातचीत होगी, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप अलोन हैं, अकेले हैं, तो कोई अच्छा दोस्त आपको मिलेगा। अगर आप मैरिड कपल्स हैं ऑलरेडी, आप फ्रेंडशिप में हैं, या आप ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं, तो आपका जो प्रेम संबंध है वो अच्छा रहेगा। इसमें ये मैसेज आ रहा है और ये यूनिवर्स की जो इंडिकेट कर रही है उसकी वजह से होगा। तो आपको लगेगा कि हाँ, कि हैप्पीनेस है, जॉयनेस है, आपका जो अच्छा लवमेट या सोलमेट है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ये कोई भी हो सकता है लाइफ में। एंजल्स दूसरा मैसेज आपको ये कर रहे हैं कि इस वक्त प्रेजेंट में जीने की कोशिश करिए और फ्यूचर के बारे में सोचिए कि फ्यूचर अपना अच्छा कैसे करें, कैसे बेटर करें। जो पिछला हो गया वो हो गया, अब उसके पीछे लेकर के परेशान होना या उसके पीछे जो है एकदम स्टक्ड हो जाना, उसी में ही चिपके रहना एकदम बिल्कुल एक ही चीज़ बात पकड़ के, तो वो भूल जाइए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, मतलब जो भी आप सोच रहे हैं, कोई ड्रीम है आपके आपके लाइफ में, आप कोई विश पूरी नहीं हो रही है, विश पूरी होगी, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करिए, स्ट्रेटेजीज बनाइए, आज में जीने की कोशिश करिए और फ्यूचर अपना अच्छा सोचिए कि इस तरह का फ्यूचर मेरा होगा तो आपकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी। आपका यहाँ एंजल्स में ये भी मैसेज कर रहे हैं कि जेन्युइन एफर्ट जरूर करिए अपने रिलेशनशिप में। आपका जो भी लाइफ पार्टनर है या लवमेट्स हैं कोई अगर है लाइफ में, तो उसके साथ थोड़ा सा बातचीत करिए, उसको सपोर्ट करिए। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं उसके हर काम में उसकी मदद भी करिए। अगर ऑफिस में या कलीग के बीच में अगर आपकी अच्छी बनती है, तो एक दूसरे को या किसी एक से भी अगर आपको एक अच्छी फ्रेंडशिप है ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, या बिजनेस में पार्टनरशिप है आपकी, तो एक दूसरे की हेल्प सपोर्ट करिए, रिश्ता अच्छा होगा एक तो इससे, और दूसरा काम भी आपका बनता चला जाएगा। तो यही सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी है कि जब आप किसी दूसरे की केयर करते हैं तो उसको फील होता है कि यस यू रियली लव दैट पर्सन। आपको ये मैसेज है कि आप ये आपको ये जताना पड़ेगा अगले जने को कि हाँ, आप वाकई में केयर करते हैं। कोई भी डिसीजन इस वक्त अकेले मत लीजिएगा, हमेशा जो कोई भी लाइफ पार्टनर या आपके जो भी भरोसेमंद कोई इंसान है उसको संग में लेके चलिए, अकेले कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ताकि वो अगले जने को भी लगे कि हाँ, आप उसको इंपॉर्टेंस तो दे रहे हैं, अपने लाइफ में अपनी बातें शेयर तो कर रहे हैं। ये देखिए, ये कोई भी जना हो सकता है, आपके कोई बाबा या दादी, या आपके मदर फादर, या आपके अच्छे भाई बहन, या आपके कोई अच्छे दोस्त, या आपके ऑफिस में कोई सीनियर पर्सन, या कोई भी दोस्त, तो वो ये जो है, ये जो सपोर्टिव पर्सन है, ये आपके कोई भी हो सकता है लाइफ में, आपका लाइफ पार्टनर, लवमेट और सोलमेट में से, तो उसको लेके चलिए। एंजल्स का मैसेज ये है, टुगेदर काम करिए, मतलब एक साथ।
एंजल्स का ये भी मैसेज है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखिए इस मंथ में. थोड़ा सा हेल्थ का इशू, अगर आपको जरा सा भी कुछ लगता है कि कुछ हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है, फौरन बिना लापरवाही करें डॉक्टर को दिखाइए. अगर कंसल्ट करना है तो, नहीं तो आपके जो प्रॉपर मेडिसिन चल रहे हैं उसको टाइम से लीजिए. प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट जो होती है वो लीजिए. बाहर का खाना कम खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करिए. और फल और पानी का सेवन ज़्यादा करिए, इससे आपकी बॉडी भी हील होती है. और जो बाहर के जो नेगेटिव जो वाइब्स होती हैं, जो कि खाने में बाहर मिली हुई रहती हैं, तो वो नहीं आएंगी आपके अंदर, वो कम आएंगी. तो हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखिए. कोई डिज़ायर अगर आपकी मन में बहुत चल रही है बहुत दिनों से, वो पूरी होगी. कोई इच्छा है, मान लीजिए इच्छाएं तो बहुत सारी होती है, इसमें से कोई एक आपकी पूरी होगी. और आपके अंदर एक अच्छी पावर दिख रही है, एक स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है, तो उसको सही जगह पे लगाइएगा. कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी आपके अंदरूनी शक्ति के कारण. वो आपको ये जरूरी है कि वो सक्सेस कैसे मिलेगी, जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे. वही असली में पावर है आपकी, जो आपको कुदरत ने जो टैलेंट दिया है, जो गुण दिया है, उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करिए. कई बार ऐसा होता है, हम नौकरी के लिए कहीं जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वो अदर थिंग है, लेकिन आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपको क्या पसंद है, वो एक अलग चीज़ है, उसको उभारिए. उससे सेटिस्फैक्शन भी होता है, प्लस आपका जो ऑरा है वो भी ठीक ठाक रहता है. नेगेटिव लोगों से कम आप बचे हुए रहते हैं, पंचायत से. आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा अच्छा है. यहाँ पे वाटर का बहुत अच्छा, यहाँ पे मैसेज आया है कि वाटर की हीलिंग करिए. आप अपनी पानी से हीलिंग करना, ये कैसे करेंगे, जैसे आप नहाने के पानी में 2-3 चुटकी पिंक हिमालयन सॉल्ट, या उसको सेंधा नमक भी कहते हैं, दुकान पे मिल जाएगा या अमेजोन से ले लीजिए कहीं से भी, तो वो आप डालिए. वो थोड़ा सा डालना है, चुटकी भर, थोड़ा सा, 2-3 चुटकी बस, ज़्यादा नहीं. उससे आपके 21 डेज बाद आपकी हीलिंग होनी शुरू होगी. अगर कोई काम नहीं बन रहा है, रुक रहा है, वो पूरा होगा. आपको गुड रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं 21 डेज बाद, क्योंकि जब रेकी हीलिंग करते हैं तो ये सजेस्ट भी करते हैं, अगेन आप इसको शुरू कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि 21 डेज बाद जो है वो बंद हो गया, ऐसा करना नहीं, उसको कंटिन्यू करिए. और आपकी वाटर हीलिंग के साथ साथ प्यूरीफाई करके रखिए अपने आप को. कैसे प्यूरीफाई करेंगे अपने हृदय को, अच्छी बातें सुन के, अच्छे लोगों से मिल के, अच्छी किताबें पढ़ने से और एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाने से. ये ज़रूरी है. नेगेटिव लोग जो कि आपको ब्लेम करते हैं, जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, प्लीज़ आप उनको सुनना छोड़ दीजिए. सुन लीजिए लेकिन एक दूसरे कान से निकाल दीजिएगा, अगर ऐसी कोई मजबूरी हो रही है तो. प्रॉस्पेरिटी रहेगी आपके लाइफ में इस वक्त में, मंथ में संपन्नता रहेगी, पैसा आएगा, प्रॉफिट होगा बिजनेस में है तो. संपन्नता का मतलब होता है कि परिवार वालों से साथ भी मिलना, आसपास आशीर्वाद लेना, ये भी है तो ब्लेसिंग्स भी हैं. और प्रॉस्पेरिटी है, बिजनेस में आपको सक्सेस मिलेगी, बिजनेस अगर आप पर्सन हैं. और रिचनेस रहेगी, सक्सेस मिलेगी आपको. आपका फायर एलिमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है, उसको और अच्छा करने के लिए, अगर वो आपको ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट नहीं रहती काम करते वक्त, या बुझे बुझे से रहते हैं, डलनेस रहती है, तो लाल रंग के वस्तुओं का इस्तेमाल ज़्यादा करिए. मेडिटेशन के दौरान 5 से 10 मिनट के लिए आसन पर बैठ जाइए और लाल रंग के डार्क कलर जो होता है, कलर डार्क रेड कलर, उसकी लाइट को रूट चक्र, जो मूलाधार चक्र होता है, सबसे नीचे वाला चक्र होता है, उस पर देखना शुरू करिए लाल रंग की रोशनी को. दूसरा है, लाल रंग के कपड़े पहनिए, लाल रंग के वस्तु इस्तेमाल करिए. क्रिस्टल्स बहुत सारे होते हैं, आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, या आप एप्पल खाइए, अनार खाइए. ये सब चीज़ें जो खाने में जो रेड कलर की चीज़ें होती हैं, या रेड कलर का शरबत पी सकते हैं, आपको रेड कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करना है. जो आपका साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है वो फायर एलिमेंट का होता है, अग्नि तत्व जिसको कहते हैं. अगर आपका किचन नहीं है वहाँ पे तो वास्तु भी गड़बड़ हो रहा होगा, पैसा कहीं ना कहीं आता है और चला जाता होगा आपका, तो वो लिक्विड फ्लो की डायरेक्शन होती है. लिक्विड फ्लो मतलब कि पैसा आते रहना, वो साउथ ईस्ट का जो दिशा है अग्नि कोण वाला, उसको वहां पे अगर गड़बड़ हो गई है तो वहां पे या तो विष्णु जी का विराट रूप की फोटो लगा लीजिए, या फिर लाल रंग की कोई लैम्प या कोई वस्तु वहां पे रख दीजिए, क्योंकि वो उसका कलर ही लाल है उस दिशा का, तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी. अगर आपका फायर एलिमेंट गड़बड़ हो रहा है, एक्साइटमेंट नहीं रहती काम करते वक्त, उतना मन नहीं लगता है, पैसा आता है प्रचुर मात्रा में निकल जाता है एकदम बिल्कुल, अगर ऐसा हो रहा है तो. ये छोटा सा उपाय मैं बता रही हूँ साउथ ईस्ट का, अपने घर में वास्तु के अकॉर्डिंग अगर गड़बड़ है, वो किचन नहीं है वहां पे, वैसे तो किचन होना चाहिए, किचन अगर नहीं है तो ये उपाय आप
उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उस डायरेक्शन में कर लीजिएगा। आई थिंक इसमें आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा कि एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत रेमेडीज हैं, अदरवाइज मन बहुत अच्छा है, उसको सही जगह पे उसको इस्तेमाल करिए अपनी क्वालिटीज़ को। मेन तो आपके क्वालिटीज़ का आया हुआ है इसमें, और बाकी आपका लक अच्छा है अगर देखा जाए तो आई थिंक द मैसेजेस आर वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।